हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ किसी हॉल वीडियो के थ्रू। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से कोई हॉल शूट नहीं कर रही थी और बस ब्लॉग जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे आ रहे थे। तो इसके पीछे एक खास रीज़न है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स के थ्रू और मैसेजेस भी कर रहे थे मेरे, मतलब जितने भी क्लोज वंस हैं वो मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या हो गया, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है, काफ़ी दिनों से पहले रेगुलर थी। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड जय है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। और हमारी जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में काफ़ी केसेस हो गए थे कोविड को लेकर के। जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं ना, उनका मतलब आना जाना थोड़ा सा अभी रिस्ट्रिक्टेड था हमारे एरिया में, हमारे बिल्डिंग में। तो उस वजह से अब मैं जितनी भी हॉल करती हूँ उसके लिए मुझे चीज़ें जो है वो ऑनलाइन ही मैं परचेज करके मंगाती हूँ। बाहर जाना तो अभी पॉसिबल है नहीं और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। मेरे बिल्डिंग में केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। एक्चुअली इस बिल्डिंग में अब केसेस है भी नहीं, सामने वाले बिल्डिंग में हैं कुछ केसेस, इस बिल्डिंग में नहीं है। और जय भी नेगेटिव हो चुके हैं। तो आज एक क्विक सा छोटा सा मैं हॉल वीडियो करने वाली हूँ। तो ये जो हॉल है ये है अमेज़ॉन के कुछ किचन टूल्स हैं। इससे पहले भी किचन टूल्स के ऊपर मेरे दो वीडियोस आ चुके हैं, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। और आज भी मैं एक छोटा सा वीडियो लाई। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है ये है एक ड्राई फ्रूट स्लाइसर। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि आप कुछ भी अगर मीठा बनाते हो या जहाँ आपको ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं तो वो नाइफ से धीरे धीरे कट करने, स्पेशली मुझे क्योंकि मुझे बहुत बारीक करके डालना अच्छा लगता है, खीर हो चाहे कोई भी डिज़र्ट हो, तो वो काफ़ी टाइम चला जाता है अगर आप नाइफ से कट करते हो। अगर वो भी आपको बहुत अच्छी कटिंग चॉपिंग नहीं आती है तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये देखा, मुझे लगा कि इसे ट्राई करना चाहिए। तो पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये दिखने में कैसा है, फिर मैं इसे यूज़ करके भी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो वो दिखने में कुछ इस तरह का है। इस पर जो पिक्चर बना है ये दो कलर्स में है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो मुझे ये ब्लू वाला मिला है, उन लोगों ने रैंडमली यही भेजा था। तो ये ऐसे ओपन हो जाता है और इसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं। और ये देखिए, इसमें ये ऐसा कट बना है, इसमें आप इसको फिट कर देंगे। ये जो अंदर आपको ये दिख रहा होगा इस तरह का बाहर उभरा हुआ सा, उसमें ये फिट हो जाएगा। इसको फिट करना है, एडजस्ट आपको ये घुमाना है और आपके ड्राई फ्रूट्स के जितने स्लाइसेस पीसेस हैं वो यहाँ से नीचे आएंगे। तो आपको कुछ इस तरह से इसको घुमाना है और इसे क्लीन करना भी इजी है क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली खुल जाता है। तो इसको खोलने के लिए ये देखिए, इसका एक एक पार्ट जो है ये बाहर आ गया। तो इसे क्लीन करना इजी है, बस इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम लगी, वो मैं आपको ऑनेस्टली बता देती हूँ। इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हो, आप इसे स्लाइस करते हो ना, तो बहुत फास्ट, जैसे मैंने 5-7 डाल दिया तो ये बहुत फास्ट इसमें से नहीं आता है। ये नहीं कि आप घुमा दिए और बहुत फास्ट सारे स्लाइसेस बाहर आ गए, तो थोड़ा स्लो है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है इसमें। तो बाकी ऐसे आपके इसके जो पीसेस आते हैं ना, इतनी बारीक बहुत अच्छी होती है, मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा देती हूँ। तो इसकी प्राइस और बाकी इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप अगर आपको लेना हो तो आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। और तब तक मैं दिखाती हूँ आपको मेरा दूसरा प्रोडक्ट। तो दूसरा प्रोडक्ट जो है ना, ये बहुत यूनिक है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मैंने सोचा कि ये मंगाते हैं। तो ये है एक एग टाइमर। एग टाइमर, मुझे इस तरह के प्रोडक्ट का कोई नॉलेज नहीं था, ये मुझे ऑनलाइन ही दिखा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो ये देखिए, ये मैंने ये खोल दिया हुआ है, खोल के मैंने देखा था, तो इसलिए ये ऐसा कुछ पैकेट में आया था। तो ये दिखने में कुछ इस तरह का है, बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ये अगर दिख रहा हो आप लोगों को। तो इस पर लिखा हुआ है यहाँ एग टाइमर और यहाँ तीन चीज़ें हैं, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। तो ये इसका मैं यूज़ बता दूँ आपको। तो इसका यूज़ ये है कि जब आप एग बॉयल करते हो तो उसको साथ में इसे डाल देना होता है। तो जैसे आजकल लोग जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या कुछ लोगों को बहुत हार्ड बॉयल्ड एग नहीं पसंद होता है, सॉफ्ट पसंद होता है, कि अंदर का जो येलो पार्ट होता है वो उन्हें सॉफ्ट चाहिए होता है, किसी को हार्ड चाहिए होता है। और आप बॉयल करते समय ना अंदाज़ा नहीं लग पाता, ये मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि मैं सोच, जैसे जय बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सॉफ्ट ही बॉयल करके दे देना, बट मैं 5 मिनट से ऊपर चला जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है,
वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। समटाइम्स मुझे एग करी बनाना होता है और मैं एग बॉयल करती हूँ तो उसे निकालती हूँ तो वो सॉफ्ट रहता है, तो वो फिर उसके स्किन निकालने में प्रॉब्लम होती है, उसे बनाने में फिर प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा कि अगर ये सच में बेनिफिशियल है कि नहीं वो चेक करते हैं। इसे यूज़ कैसे करते हैं मैं यूज़ करके ही दिखा दूंगी कि ये कैसे काम करता है। एक्चुअली इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसे टेस्ट करने के लिए मैंने 3 अंडों को बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, 3, क्योंकि इसके 3 स्टेजेस हैं। तो मैं अलग अलग टाइम पे 3 अंडे निकालूंगी और देखूंगी कि ये कितना सही वर्क करता है। तो इसमें ये देखिए मैंने डाल दिया था ये एक टाइमर, और ये धीरे धीरे ये इसका कलर जो है साइड से चेंज होना शुरू हो गया है। और अभी ये सॉफ्ट पे है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा और उबलने दूँ। ये देखिए सॉफ्ट के और मीडियम के बीच चला गया है, तो मैंने 1 अंडा निकाल लिया है और इसे सेपरेट रखूँगी। फिर उसके बाद अब देखिए मीडियम से थोड़ा ज़्यादा हो गया है और वो बीच में थोड़ा सा पार्ट है जो कि सॉफ्ट है, तो मैं यहाँ 2nd एग निकाल लूँगी। और 3rd मैं तब निकालूँगी जब ये पूरी तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा, और फिर चेक करेंगे कि ये एग टाइमर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है इसका कलर। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा होने पे 3ों अंडों को मैं चेक करूँगी। ये देखिए मैंने 3 अलग अलग बोल में रखा हुआ है ताकि ये मिक्स ना हो जाए। तो मैं पहले को तोड़ रही हूँ कि देख रही हूँ कि ये अंदर से कैसा है। और ये तोड़ने के बाद ना ये मुझे पूरा लिक्विड मिला, क्योंकि सही से अगर ये बॉयल हुआ होता तो इसका वाइट पार्ट तो हार्ड हो गया होता, अंदर का पार्ट सॉफ्ट होना चाहिए था। बट ये पूरे लिक्विड फॉर्म में है, मैंने इसे पलटा तो ये पूरा ऐसे बाहर आ गया, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इस तरह का एग किसी को खाना पसंद आएगा। फिर मैंने 2nd जो जिसको मैंने मीडियम तक बॉयल किया था इसे चेक कर रही हूँ, तो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन इसे मैंने जब ऐसे पलटा तो ये गिरा नहीं। बट इसका भी वाइट वाला पार्ट सॉफ्ट है, बट इसे मैंने जब टेस्ट किया खाकर तो ये मुझे अच्छा लग रहा था खाने में, मतलब उतना भी बुरा नहीं था। बट ये इसे भी थोड़ा और हार्ड होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसने बहुत जल्दी उसका कलर चेंज हो गया था। मुझे लग रहा कि ये थोड़ा और लेट से होना चाहिए था, और ये सॉफ्ट पार्ट भी थोड़ा और हार्ड होना चाहिए था। और ये लास्ट वाला है, और ये बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है, मैंने इसे एक्स्ट्रा बॉयल नहीं किया था। तो ये टूल मुझे बहुत कुछ सही समझ में नहीं आया, तो मुझे नहीं पता कि मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। मुझे ये समझ में नहीं आया कोई अंडे ठीक से बॉयल हुए हैं कोई नहीं हुए हैं। पैकेट में इस तरह से पड़ा हुआ है तो मैं इसे निकाल रही हूँ, इसे मैंने अभी जस्ट ओपन किया है। तो ये ऐसे काफ़ी दिनों से मैं ये ऑनलाइन देख रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ऑर्डर कर ही दिया जाए। एक्चुअली ये जो है ये डिश वॉशर, जो आपका जो लिक्विड डिश वॉशर होता है उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर ये सच में अच्छे से काम करे तो। इसमें आप डाल दो, आपको जितना पोर्शन डालना है, पानी मिलाकर डालना है, जैसा भी आप अपने बर्तनों को जो वॉश करते हो इसके अंदर डालना है। और ये जो है आप अपना जो स्क्रॉच ब्राइट है यहाँ रखोगे और इसे आप पुश कर सकते हो। जब आप इसे पुश करोगे तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा और आप अपने अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि आपका एरिया जो है वो मेसी नहीं होता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक, जैसे मेरे घर में ही एक प्लास्टिक का बोल टाइप का है, उसमें जो ये स्क्रॉच ब्राइट और वो सारी चीज़ें डालकर यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाता है समटाइम्स, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपके किचन में एक साइड में कॉर्नर में रहेगा तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, और काम करता है कि नहीं करता है वो तो हम अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये ऐसे ओपन हो जाता है, अगर आपको इसको क्लीन करना हुआ तो ये पूरी तरह से ये खुल जाता है। इसे आप बहुत अच्छे से क्लीन करके सुखा कर फिर रख सकते हो। तो ये पार्ट है जिसमें लिक्विड आएगा, फिर ये इसके ऊपर से आता है, यहाँ एक होल बना हुआ है और ये जो है इसके अंदर चला जाता है, और इसे भी पंप करने से ये पंप, इसे पुश करने से ये पंप होता है और ऊपर आ जाता है लिक्विड इस जगह से। और इसके साथ में ये फ्री आया है, ये मेरा नहीं है, इसके साथ ही आया है ये, और इसे आप यहाँ पे ऐसे रख सकते हो ऐसे ऐसे भी। तो इसका भी प्राइस और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी सारी 3 चीज़ें। आपको ये सारी चीज़ें कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ लाऊं, और प्लीज़ क्योंकि मैं आपको पता, अगर आप मेरा ब्लॉग फॉलो करते तो आपको पता है कि मैं एक मदर भी हूँ, मेरा एक छोटा सा बेबी है 1 साल का, तो एक बेबी के साथ में ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये काम को कंटिन्यू रखने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के प्यार से, यानी कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।
फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।